हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरु जी। दोस्तों, अगर आपके पास भी होंडा एक्टिवा या कोई भी स्कूटर है, तो ये जो लेडीज़ फुटरेस्ट होता है साइड वाला, उसका कभी ना कभी ये हाल हुआ होगा। दोस्तों ये देखिए, कभी ये ऐसे ओपन रह जाता है और कहीं ये टकरा जाता है, और कभी कभी ये वीक रहता है, अगर कुछ ज़्यादा लोड पड़ा तो ये टूट जाता है। यहाँ पे देखिए, ये टूट गया है। तो दोस्तों, अभी अगर इसमें देखेंगे तो ये जो पोर्शन है ये सही से है, अच्छा खासा है, और सिर्फ ये वाला पोर्शन टूटा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कंप्लीट ये असेंबली नहीं चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं कंप्लीट असेंबली चेंज करूँगा तो अराउंड 450-400 ऐसा कॉस्ट आएगा। बट अगर मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन चेंज करूँगा, एक किट आता है मैं अभी आपको दिखाऊँगा, तो वो मुझे 150 के अंदर अंदर हो जाएगा, और मैक्सिमम भी लगेगा तो 200। बहुत अच्छा किट है तो 200 का आएगा। तो मैं यहाँ पे इसे कैसे रिप्लेस करना है, इस पार्ट को, ये तो टूट गया है, अभी किट को कैसे रिप्लेस करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक और एक्टिवा है, और ये एक्टिवा 110 है, आप जानते होंगे अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं। तो इसका अगर मैं देखूँगा तो ये बेंड है, ये देखिए, और इसमें रस्टिंग भी स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ये फ्यूचर में टूट जाए, अभी सही सलामत है, अगर ये फ्यूचर में टूट जाए तो मैं इसे कंप्लीट असेंबली ही रिप्लेस करूँगा। बट ये वाला जो है ये अभी अच्छे कंडीशन में है, बहुत ही हेल्दी है, तो कंप्लीट सेट को रिप्लेस करना कोई मतलब नहीं बनता, अननेसरी एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करना। तो अगर आपका भी अगर ये वाला पोर्शन अच्छे कंडीशन में है तो कंप्लीट असेंबली मत रिप्लेस कीजिए, सिर्फ ये जो किट है वो आप रिप्लेस कर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये है इसका किट, और ये आफ्टर मार्केट है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का आपको मार्केट मिल जाएगा। ये देखिए, बहुत ही हेवी क्वालिटी है, और इसका देखिए क्वालिटी, देखिए परफेक्ट क्वालिटी है, बेस्ट है ये। तो ये वाला प्लेट आपको मिल गया, क्योंकि जो ओल्ड प्लेट है वो आपका टूट गया है। ये देखिए, ये ओल्ड प्लेट यहीं से टूट गया है, तो ये आपका न्यू प्लेट हो गया, सही है, परफेक्ट, सही है। उसके बाद जो भी इसमें लगता है स्प्रिंग, ये सब सब कुछ इसमें अवेलेबल रहता है। कैसे कैसे लगेगा, बहुत ही इजीली लगता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये रबर भी है, ये देखिए परफेक्ट, और इसमें दो पिन आता है, ये पिन कहाँ लगेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा, और एक और पिन होगा आई थिंक, यस एक पिन और है। ये देखिए, ये पिन कहाँ लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पे एक स्प्रिंग, ये स्प्रिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये भी देखिए। तो सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, ठीक है। अब इसको हम लोग असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस छोटे वाले पिन के बारे में। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक पिन ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये यही पिन है, अगर सपोज आपका मिसिंग है तो आप लकी होंगे। यहाँ पे सिंपली रखना है और इसको हिट करेंगे तो ये अंदर चल जाएगा और ये फिट हो जाएगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है और ये जल्दी वियर नहीं करता है, तो अननेसेसरी इसको निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो ओरिजिनल है सो ओरिजिनल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो स्प्रिंग है, इसके अंदर आपको देख लेना है कि स्प्रिंग है कि निकल गया है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर स्प्रिंग है ऑलरेडी। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड स्प्रिंग को निकाल लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे इस तरह का कुछ भी आप वायर ये सब का यूज़ कीजिए, ये देखिए यहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए ओल्ड स्प्रिंग आपका बाहर निकल गया है, ठीक है। और अगर इसको अगर हम लोग न्यू स्प्रिंग से कंपेयर करेंगे तो ये देखिए, ये कंप्रेस्ड हो चुका है, रस्टेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू स्प्रिंग हम लोग इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें हम लोग ग्रीस फीड कर देंगे। ग्रीस फीड करने से क्या होता है ना कि ये जो है स्प्रिंग, ये फ्यूचर में जल्दी रस्टिंग इसमें नहीं होगा, ठीक है। आराम से इसमें हम लोग ग्रीस फीड करके इसे इंसर्ट कर देंगे, परफेक्ट आ गया। उसके बाद ये जो रबर आप देख रहे हैं, इसको हम लोगों को लगा देना है, ठीक है। और ये रबर का काम रहता है कि जो भी नॉइज़ रहता है नेसेसरी, उस नॉइज़ को रोकना। ये आ गया अपने जगह पे बहुत अच्छे से। अब हम लोगों को ये प्लेट को इंसर्ट करना है। तो ये देखिए, ये जो प्लेट है इस तरह से आएगा, यहाँ पे ये पिन लग जाएगा, और ये वाला जो पिन है ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है।
ये देखिए, और ये जो होल है इसका अंदर, ये इस तरह से होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। और इसी को अलाइन करने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से आप इसको अलाइन कर सकते हैं, तो ये इस तरह से आएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, परफेक्ट। तो ये यहाँ पे लग गया है। अब इसका मूवमेंट अगर हम लोग करेंगे तो ये मूव तो कर रहा है, बट अगर जैसे ही इस पर आप लेग डालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और प्लस इसमें लॉक नहीं हो रहा है, ये देखिए लॉक जो होता है ऑन ऑफ, वो इसमें नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये पिन लगेगा, ठीक है, और ये पिन में स्लॉट बना रहता है, ये देखिए। तो यहाँ पे ये जो है ये आपको लगाना है इस तरह से, ये देखिए बैक से आएगा और ये इस होल में अलाइन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक रॉड का हेल्प ले रहा हूँ इसे पुश करने के लिए, क्योंकि जो स्प्रिंग का टेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसे पुश करके अलाइन करके ये जो होल है आपको दिख रहा है छोटा सा, उसी में पिन को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसे पुश कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए सही है, ये पुश हो गया है। और यहाँ पे इसे अलाइन कर देंगे परफेक्टली, ये देखिए ये होल मुझे दिखना चाहिए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और था, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ये सॉरी कम हो गया, ये परफेक्ट लोकेशन पे आना चाहिए, ये देखिए आई थिंक ये परफेक्ट है। उसके बाद इसमें पिन इंसर्ट करेंगे, ये देखिए, और इसको बिना हिलाए डुलाए, नहीं जा रहा, यही प्रॉब्लम होता है, जो डिफिकल्ट पार्ट है यही है, ये देखिए ये थोड़ा सा अलाइनमेंट डिफरेंट है, तो आपको देखना है इसको हर एक एंगल से, थोड़ा सा भी अलाइनमेंट डिफरेंट हुआ तो ये नहीं आएगा। यही थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है इसमें। आई थिंक ये अब परफेक्ट है। और यहाँ पे इसे हम लोग प्रेस करेंगे, ये देखिए यही थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है इसमें, ये देखिए ये सही हो रहा है, ये लॉक हो गया है। और अब हम लोग इसको प्रेस कर देंगे कंप्लीटली, परफेक्ट ये लग गया है। और ये देखिए दूसरे साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, तो ये आपका लग गया है परफेक्ट, ये देखिए, ये देखिए सही है, ये आपका ये आ गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके एक्टिवा में भी ये प्रॉब्लम आता है या दूसरे स्कूटर में भी सेम मेथड होता है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं और कुछ अपने पैसों को बचा सकते हैं। और ये मस्त काम कर रहा है, वेल लुब्रिकेटेड है। तो दोस्तों प्लीज़ जो लाइक किया अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।